नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साल 2023 के पहले चंद्र ग्रहण को लेकर वैज्ञानिकों और ज्योतिषाचार्यों की तरफ से नई जानकारी सामने आ चुकी है। ग्रहण कौन कौन से देशों में लगेगा, ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल कब से शुरू होगा, यह ग्रहण किस प्रकार का होने वाला है, इन सभी विषयों पर ज्योतिषाचार्यों ने नई जानकारी साझा की है। ऐसे में हम आपको आज के इस वीडियो में ग्रहण से जुड़ी हुई सभी जानकारियों के विषय में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 दिन शुक्रवार को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि पर लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास होगा क्योंकि यह ग्रहण बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लगेगा। दोस्तों, साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होने वाला है। उपछाया चंद्र ग्रहण से तात्पर्य है, इस ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा, केवल और केवल ग्रहण काल मान्य होगा। अब कई दर्शकों को सूतक काल और ग्रहण काल के विषय में अंतर नहीं पता होता है, तो दोस्तों आपको बता दें, सूतक काल वह समय है जो चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दौरान सभी प्रकार के शुभ कामों की मनाही होती है, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और मंदिरों में प्रवेश वर्जित माना जाता है। दोस्तों, सूतक काल में हालांकि खाने पीने की मनाही नहीं होती है, खाने पीने की मनाही केवल और केवल ग्रहण काल में होती है। ऐसे में अगर आपको ग्रहण का सही समय पता है तो आप उसमें से 9 घंटे घटा करके सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि साल का पहला चंद्र ग्रहण 15 दिनों में लगने वाला दूसरा ग्रहण है। इससे पहले 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगेगा, यानी कि वैशाख माह में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि दोनों ही दिन ग्रहण लग रहे हैं। ऐसी स्थिति को बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ माना जाता है और कहा जाता है ऐसा ग्रहण बेहद अशुभ होता है और इस प्रकार के ग्रहण में आपको सावधानियां खास तौर पर रखनी चाहिए। अगर ग्रहण आपके देश में दिखाई दे रहा है तो आपको सावधानियां जो है भूल से भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ग्रहण का सही समय क्या होगा, फिर हम बात करेंगे यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। दोस्तों, साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई रात 8:46 से शुरू हो जाएगा, यानी कि इस ग्रहण का सूतक काल ठीक 9 घंटे पहले से लग जाएगा। ग्रहण 4.25 घंटे तक चलेगा और ग्रहण की समाप्ति रात 1:44 पर होगी, अर्थात यह ग्रहण रात 8:46 से 1:44 तक चलेगा। बात करें ग्रहण कौन कौन से देश में लगेगा और क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा, तो दोस्तों यह ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में यह सवाल होता है कि अगर यह ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है तो क्या हमें इस ग्रहण के नियमों का पालन भारत में भी करना है? तो दोस्तों आपको बता दें, कई लोग यह मानते हैं कि ग्रहण कहीं भी लगे तो हमें नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि ज्योतिषाचार्यों का यह मत है, अगर ग्रहण आपके देश में नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको नियमों की पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण भी भारत में नहीं लग रहा है तो आपको नियमों की पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।